जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रजिस्ट्री कार्यालय व आरटीओ कार्यालय में हुए भ्रष्टाचारियों पर हुए कार्यवाही पर कहा कि जिले के अलग अलग विभाग में गोपनीय जांच करवाई गई थी और जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल थे उनके खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी गई व गिरफ्तारी की जा रही है और जो लोग बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी विवेचना में चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं जब जिलाधिकारी से इसमें शामिल होने वाले अधिकारियों की बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं उन लोगों के भी खिलाफ जांच की जा रही है और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके अवैध संपत्ति बनाई है उनके संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा और उनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि हम लोगों ने गोपनीय जांच करवाई थी जिसमें कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं। इसी तरह से अलग अलग विभागों में जनता को जो सेवाएं देनी है उसका शत प्रतिशत पालन करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिससे कि सभी अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे आप बताते हैं कि जब ये गोपनीय जांच कराई गई थी उसके पश्चात जितने भी लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी और उसके पश्चात पुलिस द्वारा लगातार उनके यहाँ दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और शेष जो अभी बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी षड्यंत्रता जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं सभी को विवेचना में आच्छादित किया जाएगा और कड़ी विवेचना होगी, अच्छे विवेचना होगी और जितने भी लोग हैं उसमें सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अवैध संपत्ति इसके इस तरह के षड्यंत्र करके लोगों को परेशान करके किया अवैध संपत्ति की जाएगी उस सबको कुर्क भी किया जाएगा। जो विधिक प्राविधान है उसके अधीन काम किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाएगी, गैंगस्टर भी इनके खिलाफ लग सकता है। नहीं, हम लोगों ने एक गोपनीय जांच कराई थी उसमें डिकॉय ऑपरेशन करवाया था और इसमें वीडियो में स्पष्ट रूप से उभर के आया है कि क्या इसके मोडस ऑपरेंडी क्या था और इसी तरह की कार्रवाई विभिन्न विभागों में जहां जनमानस का आवागमन रहता है, जनमानस को सेवाएं देने की बात होती है और निःशुल्क पारदर्शितापूर्ण सेवाएँ देने में और शासन के ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। लोगों को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत जो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सेवाएं देना है और पारदर्शितापूर्वक देना है, सभी को स्वामित्व लेना है, पूरी टीम को एक सेवा भाव के साथ काम करना है जैसे शासन की मंशा है।